चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा थाना पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 किलो 420 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स सहित I-20 कार को जब्त किया है। साथ ही ओसिया निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त माल की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में समस्त थाना अधिकारियों को जिले में अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख व परिवहन भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के तहत पुलिस थाने के सामने चित्तौड़गढ़ नीमच हाईवे पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान नीमच की तरफ से एक संदिग्ध I-20 कार आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस जाब्ते ने रुकवाने का प्रयास किया तो कार चालक ने तेज गति से कार को भगाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस जाब्ते ने बड़ी मुश्किल से रोका। वह I-20 कार की तलाशी ली तो कार की ड्राइवर सीट के नीचे 2 थैलियों में भरी हुई 3 किलो 420 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स मिली है। पुलिस ने कार चालक रोशनलाल विष्णु को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर नीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल में IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D इको एंड कंप्यूटराइज TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा, 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने पोस्ट ऑफिस रोड उदयपुर। कॉल करें 0942429044, 9414020209।